सही भाई को राम राम बधाई हो, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, आकाश शर्मा रिसर्च वर्ल्ड में। वापस आ गया आपका भाई एक बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ में गर्मियों के मौसम के ऊपर। ठीक है, देखिए ज़्यादातर वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी उड़ान बढ़ाने के लिए या गोले कबूतरों की, या 45 टेम्परेचर में भी कबूतर आपका उड़ रहा है, 42 टेम्परेचर में भी उड़ रहा है, या 399 रुपये पर में आपको हैदराबादी मिल रहे हैं, हैदराबादी चाँदने मिल रहे हैं, या सारे के सारे कबूतर ही बेचोगे तो भाई उनको बचाएगा को बचाने के लिए भी तो वीडियो बनाओ, उनकी बीमारी के ऊपर भी तो वीडियो बनाओ, क्योंकि आज की डेट में बीमारी आपको पता है इंसानों के अंदर ही नहीं जानवरों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले और उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो आपके कमेंट बॉक्स में आते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर बंदों के मैसेज आते हैं कि भाई इस वीडियो, इस बीमारी के ऊपर वीडियो बनाओ या इस बीमारी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो बरसात का मौसम चल रहा है, कई भाई भी कमेंट आए थे कि भाई इस कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना, तो मैं उन्हें वीडियो लेकर के आया हूँ। कई बार क्या होता है कि आपका जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो इस कंडीशन में कबूतर क्या होता है कि सड़ा हुआ दाना खा लेता है कई बार। जैसे आपने कबूतर को दाना दिया आपने, ठीक है, वो बचा रहे हैं, या छोटे वाले कबूतर होते हैं बहुत ज़्यादा दाना देते हैं, या उड़ने वाले कबूतरों को भी आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाना दे रहे हैं पेट भर के, क्योंकि वो परेश पे चल रहे हैं, अपने पर वगैरह उनके उखा रखे हैं तो पेट भर के दाना देते हैं। कई बार वो दाना बच जाता है, वो नीचे ही पड़ा रहता है, नेक्स्ट डे कबूतर वो दाना खा लेता है, वो सड़ भी जाता है कई बार। क्योंकि बरसात के मौसम में तो जाहिर है कबूतर वो दाना खराब हो जाता है, कई बार उसके पोटे में फंस जाता है, पोटा जाम हो जाता है। आपने कई वीडियोस देखी हुई पोटा जाम हो गया, पोटा जाम होने की वजह से कबूतर में हो गया वो दाना सड़ जाता है। अच्छा, इस कंडीशन में फिर आप कैसे अपने कबूतर को बचाएंगे, क्या करें और क्या ना करें, वही आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आपके कबूतर के अंदर जैसे कोई कबूतर सड़ा हुआ दाना खा लेता है या सीमेंट खा लेता है, उसका अंदर का गला कट जाता है, छोटा सा गला होता है, नाली की मछली होती है कट जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए फंगस लगा हुआ दाना भी खा जाता है। दो सिरप आते हैं, एक ऑनडप सिरप आता है, एक पेंडॉप सिरप आता है। ठीक है, ऑनडम सिरप अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं पीछे दवा दूँ, और पेंडम सिरप मिलता है तो भी मैं पीछे दवा दिखा दूँगा आपको। ठीक है, 5 से 10 ड्रॉप दे दूँगा सिरप आता है, 5 से 10 ड्रॉप। अच्छा, कोई भाई कहेगा भाई 5 से 10 ड्रॉप हम कैसे दें, आपको इजीली केमिस्ट के पास आप जाइएगा, उसको बोलिए ड्रॉपर दे दे, ड्रॉपर के ऊपर लिखा हुआ होता है 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आपने देना है उसको 5 से 10 ड्रॉप। अब ऊपर से ब्लैक कलर का नोजल होता है, ड्रॉप भी मैं आपको दिखा दूंगा, किसी भाई को नहीं समझ आ रहा है ड्रॉप कैसी होती है तो उसकी फोटो लेकर के आप चले जाइए केमिस्ट को, दिखा दीजिएगा ड्रॉप कैसी होती है। तो 5 से 10 ड्रॉप आपने उसको कबूतर को देनी है, 3 से 4 दिन का कोर्स है, सुबह शाम आप दीजिएगा पर कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इस कंडीशन में आपके लोग। ये दूसरा होता है पेट के कीड़े, इस टाइम कबूतर में पेट के कीड़े हो जाते हैं और सूखे में आ जाते हैं पेट के कीड़े, जैसे इंसानों में भी होता है बीमारी, पेट में कीड़े हो जाते हैं, खाना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख खत्म ही हो जाती है एकदम से, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो उसके लिए भी है एक दवाई आती है पेट के कीड़ों की, अल्बोमाइस सिरप। ठीक है ना, मुझे अगर फोटो मिलेगी तो पीछे जरूर शो करूँगा। और आपने देनी कैसे है, ठीक है, 5 ml देनी है आपने 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी में 5 ml आपने देनी है उसको घुमा दीजिए, सुबह शाम देंगे। लेकिन ये पानी आपने कबूतर के घरों में नहीं रखना, अभी ये ध्यान रखिएगा कोई भी कबूतर है आपका, ठीक है ना, आपने कबूतर के घर के अंदर पानी रखना सुबह और शाम, सुबह शाम आपने पानी पिलाना है अपने इस तरीके से। ठीक है, 3 दिन लगातार दीजिएगा, ठीक है, और अगर आपका कबूतर दाना नहीं खा रहा तो थोड़ा सा उसको भूखा रखिए, और ये पानी आपने कबूतर को दाना देने से 2 घंटे पहले देना है। अब आप कहेंगे यार कबूतर तो भाई पानी नहीं पी रहा, बिल्कुल पिएगा पानी, कैसे नहीं पिएगा हम बताएंगे आपको कैसे नहीं पिएगा। कबूतर को आप शाम को पानी रखिए, सुबेरे थोड़ा सा लेट कबूतर को खोलेंगे ना तो प्यासा ज़्यादा होगा, आप पहले उसे दाना मत दीजिए, उसे पानी पिलाइए, तो दाना खाने से पहले कबूतर पानी पिएगा। गर्मियों के सीजन में क्या होता है कबूतर दाने से ज़्यादा पानी पीता है, आपने कभी भी नोटिस किया हो, तो आप उसे पहले पानी पिलाइएगा उसके बाद दाना दीजिए। और दाना हमेशा कोशिश कीजिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को कि दाना आपने धो करके, जो भी आप दाना मार्केट से लेकर गया देखिए उसमें केमिकल बहुत सारा मिला हुआ होता है, ठीक है ना, कोई कबूतर हजम कर पाता है वो केमिकल कोई नहीं कर पाता, तो आपने जो भी दाना लेकर के आना है, चाहे वो मिक्स बाजरा है जोड़े वालों के लिए, चाहे आपके उड़ने वालों के लिए मिक्स दाना है, चाहे वो बाजरा ही है सिर्फ, तो आपने धो के उसको अच्छे से सुखा करके उसके बाद में आपने अपने कबूतर को खिलाना है उसके अंदर जो भी केमिकल लगा होगा, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा सब कुछ साफ हो जाएगा, नीचे क्लीन हो जाएगा, सूख करके दाना करारा हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपने वो दाना खिला देंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर आपके पास में विमरल नहीं है, विमरल आपने ज़रूर लेकर के आनी, देखिए सारे दवाई यो की एक दवा है, ठीक है ना, सारे मर्ज की एक दवा, अगर आपके कबूतर को कुछ भी बीमारी है, कुछ भी अगर आप उसको स्टार्टिंग में पकड़ लेंगे ना तो आपका कबूतर बीमार ज़्यादा होने से बच जाएगा और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। विमरल एक ऐसी दवा है जब कबूतर बिल्कुल ठीक भी, अगर वो भी उसका पानी पी लेगा, 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml आपने डाल देंगे, हफ्ते में 2 दिन भी अगर ये ट्राई करेंगे ना आपका कबूतर कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा और कभी नहीं पड़ेगा, सब सुस्त
चुस्त रहेंगे, कोई भी उतना सुस्त नहीं रहेगा आपका। ये आप ट्राई करते रहिएगा, विमरल की आप मेरे ख्याल से 100 रुपये तक की शीशी आ जानी चाहिए आपकी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और एक चीज़ अगर कबूतर ज़्यादा सुस्त हो रहा है आपका, अगर वो दाना नहीं खा रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपके घर में सब्जी बनती है, ठीक है, उसके अंदर आप रोटी तोड़ करके डाल दीजिए। जब भी सुस्त कबूतर है रोटी मिला दीजिए, सब्जी उसके आगे डाल दीजिए, और वो कबूतर 2-4 मुँह भी मार रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि यार चटपटा जब कबूतर खाता है ना, तो थोड़ा जल्दी कवर करता है, दाना नहीं खाएगा लेकिन वो उस रोटी सब्जी को जरूर खुश होकर खाता है, ठीक है। उसके आगे आप लड्डू भी रख सकते हैं, बूंदी का लड्डू आता है, ठीक है, तो ये भी आप उनको दे सकते हैं अपने कबूतर को, आपका कबूतर जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।